दोस्तों 23 अगस्त 2023, इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास बनाने में कामयाब रहा। इस मिशन की सफलता के साथ ही पूरी दुनिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी डोमेन में इसरो और इंडिया का लोहा माना। चांद पर सारे उपकरण सुरक्षित पहुंचाने के बाद अब इसरो के पास बारी थी कुछ बड़ा करने का, जिसे दुनिया वाकई में स्पेस में हमारी प्रेजेंट को एडमिट करे, जिसके लिए इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1 सन मिशन। सेकेंड सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C57 रॉकेट के थ्रू। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सहज टीवी के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहाँ चांद का अर्थ से डिस्टेंस 384,000 किलोमीटर है, वहीं सूरज का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है और यह हमारे अर्थ से 13 लाख गुना मैसिव भी है। लेकिन जरा रुकिए, इस बार हम चांद की सतह के तरह सूरज पर लैंड नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट सूरज पर कोई भी लैंड नहीं कर सकता है, बल्कि इसको दूर से ही L1 के पोजीशन से ऑब्जर्व करने वाले हैं। इस पूरे मिशन में L1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ आदित्य का मतलब सूर्य है, वहीं L1 एक पॉइंट का नाम है सूरज और अर्थ के बीच में, जिसे लैग्रेंज पॉइंट भी कहा जाता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको स्कूल में न्यूटन बाबा तो याद ही होंगे, जिनकी लॉ ऑफ मोशन कभी न कभी आपको भी परेशान की होगी। इन्हीं का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस यही सिद्धांत अर्थ के साथ साथ स्पेस में भी काम करता है। स्पेस में सूरज और धरती के बीच में ग्रेविटेशनल पुल चलते रहता है, जहाँ सूरज किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और उसके रिएक्शन में धरती अपने तरफ। इस खींचा जाने के खेल में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां दोनों का पुल यानी ग्रेविटी जीरो हो जाता है। इसी पॉइंट को लैग्रेंज इन शॉर्ट में L कहा जाता है। इसकी खोज फ्रेंच इटालियन साइंटिस्ट जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने की थी 1772 में। ऑफकोर्स दोस्तों वहां जाकर नहीं, बल्कि कैलकुलेशन के जरिए उन्होंने ऐसे 5 पॉइंट का पता लगाया था जहां पे सन और अर्थ की ग्रेविटी कैंसिल हो जाती है, जिनमें से 3 अनस्टेबल है, यानी इस पॉइंट पर ग्रेविटी का बैलेंस बदलता रहता है। सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि स्टेबल है, L1 और L2। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि L1 पर स्टडी रहने के लिए सबसे कम फ्यूल लगता है। अब तो ये बात आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसरो ने आदित्य मिशन के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण है, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव को भी आप लोग समझ ही गए होंगे। चांद पर लैंड करना और बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं किया जा सकता है। सन का सरफेस का तापमान ऑन एन एवरेज 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। जहां चांद हमसे 380,000 किलोमीटर दूर है, वहीं सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर। लेकिन आदित्य L1 को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ L1 पॉइंट तक ही जाना है, जो कि 15 लाख किलोमीटर दूर है। यानी इस मिशन में चंद्रयान से 4 गुना से ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। लॉन्च को मिलाकर मिशन की कुल कॉस्ट 400 करोड़ है। सन के लाइट को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। आदित्य L1 को सिर्फ L1 पॉइंट तक पहुंचने में ही 4 महीने का वक्त लगेगा। L1 पर आदित्य अकेले नहीं है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का SOHO यानी सोलर हेलोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट ऑलरेडी मौजूद है। अब सवाल यह है कि सूरज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप भी सोचते होंगे कि चंद्रयान एटलीस्ट चांद के सतह पर लैंड कर सकता था, वहाँ की सॉइल वगैरह की जांच कर सकता था, वहाँ का टेम्परेचर देख सकता था, फ्यूचर में मून पर इंसानी कॉलोनी बसाने के लिए इम्पोर्टेंट डाटा कलेक्ट कर सकता था। लेकिन आदित्य L1 ना ही सन पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज़्यादा करीब जाएगा। तो क्या यह सारा मिशन सिर्फ सूरज को देखने के लिए है? वो तो हम सनग्लास लगाकर भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आदित्य L1 काफ़ी एम्बिशियस मिशन है और इसके ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, ये सूरज के कोरोना का स्टडी करेगा। कोरोना सूरज के आउटर लेयर है। इस सोलर इक्लिप्स में देखने वाली बॉर्डर सूरज का कोरोना है, लेकिन ये लेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अक्सर जब हम आग से दूर जाते हैं तो गर्मी उतनी ही कम हो जाती है। सूरज के बीचों बीच इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। लॉजिक यही कहती है कि कोर से जितना दूर जाएंगे गर्मी उतनी ही कम होगी। सन का सरफेस का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोरोना इसके सरफेस से बाहर होता है,
लेकिन पता है इसका टेम्परेचर कितना होता है? 1 मिलियन से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सारे लॉजिक उल्टा हो जाते हैं। इसे कोरोनर हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। नंबर 2, सोलर स्टॉर्म। अब ये सोलर स्टॉर्म कौन सी बला है? सोलर स्टॉर्म एक इम्पॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट होता है। माइनर सोलर स्टॉर्म आते रहते हैं, पर एक मेजर सोलर स्टॉर्म अर्थ पर सब कुछ तबाह कर सकता है। सन को ऑब्जर्व करने से ऐसे ही सोलर स्टॉर्म को प्रिडिक्ट करने में मदद मिलेगी, और इसरो यही काम करना चाहता है। नंबर 3, अगर आपको समुद्र में जाना है तो समुद्र को समझना जरूरी है। वैसे ही स्पेस मिशन के लिए हमारे सोलर सिस्टम के मेन सेलेस्टियल बॉडी सन को समझना बहुत जरूरी है। हमारा सूरज हमारे पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, और सूरज में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, और हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास सिर्फ सूरज का ही है। यानी हमारे सूरज का हमारे सोलर सिस्टम पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। CME कोरोनल मास इजेक्शन फ्लैश आयोनाइज प्लाज्मा का हमारे सोलर सिस्टम पर होने वाला इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर स्पेस ट्रिप को प्लान करने में मदद करेगी। तो ये थी दोस्तों आदित्य एल्बम से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट। आपको वीडियो और जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।